दुष्कर्म के आरोपी 10,000 के इनामी को मनगवां पुलिस ने किया पुणे महाराष्ट्र से गिरफ्तार। थाना मनगवां पुलिस ने दुष्कर्म के मामले में 2 साल से लगातार फरार आरोपी को मनगवां पुलिस ने पुणे महाराष्ट्र से गिरफ्तार किया है। उल्लेखनीय है कि 2 वर्ष पूर्व मनगवां थाना क्षेत्र के एक नाबालिग किशोरी को बहला फुसलाकर महाराष्ट्र लेकर उसके साथ दुष्कर्म किया। बाद में किशोरी को अकेला रीवा छोड़कर फरार हो गया था। किशोरी के बयान के आधार पर आरोपी शिवकुमार साकेत निवासी नवागांव कोठार के विरुद्ध धारा 376(2) के तहत कार्रवाई कर आरोपी की लगातार तलाश की जा रही थी, किंतु आरोपी इतना सातिर था कि मोबाइल का उपयोग ही नहीं करता था। पिछले साल भी आरोपी की तलाश में पुलिस टीम महाराष्ट्र गई थी, लेकिन खाली हाथ लौटना पड़ा था। रीवा SP नवनीत भसीन के द्वारा आरोपी की गिरफ्तारी के लिए 10,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया था। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विवेक कुमार लाल के निर्देश में SDOP मनगवां डॉक्टर KS द्विवेदी के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी मनगवां निरीक्षक जयप्रकाश पटेल द्वारा थाना स्तर पर टीम गठित कर पुणे महाराष्ट्र भेजा था, जिसे साइबर सेल एवं अन्य तकनीकी माध्यम से आरोपी शिवकुमार साकेत को पुणे पुलिस ने गिरफ्तार कर थाना मनगवां लाई, जिसे गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश किया गया, जिसे न्यायालय द्वारा आरोपी शिवकुमार साकेत केंद्रीय जेल रीवा भेज दिया गया। विभिन्न थानों में हमने समीक्षा के दौरान ये देखा कि कुछ प्रकरण ऐसे हैं जिनमें किन्हीं कारणों से अपराधी लंबे समय से फरार हो गया था। उन प्रकरणों की समीक्षा हमारे पूरी टीम ने की है। उस दौरान एक आरोपी पुणे से हम लोगों ने पकड़ा है। ये गत वर्ष का प्रकरण था 376 का, जिसमें काफ़ी प्रयासों के बाद भी आरोपी नहीं पकड़ में आ रहा था। तो मनगवां पुलिस की टीम ने इस बार लगातार साइबर सेल की मदद ली और उसको वो लोग पकड़ के लाए हैं। हाँ जी, अभी जैसा कि मैंने आपको बताया, घटना के तुरंत बाद आरोपी ने सबसे संपर्क विच्छेद कर रखा था। लगातार कोई संपर्क उससे स्थापित नहीं हो पा रहा था, ना परिवार का ना अन्य किसी मित्र का। और पुणे में अभी उसको हम लोग लाए हैं। अभी उनका रिमांड लेके पूछताछ भी की जाएगी कि वो घटनाक्रम के पश्चात किन लोगों ने उसको सहयोग किया। किसी ने अगर उसको और सहयोग किया होगा, रुकने में आर्थिक मदद की होगी, तो हम लोग उसके अनुसार उस पर भी कार्रवाई करेंगे।